ओम श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सुई पवन सुई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। भजन एक परमात्मा का, शिव अज सुख सन का दिक नारद, जे मुनि वर भी ज्ञान विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा, करिये राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा विष्णु सुख और सनद, सनंदन सनद कुमार, नारद और व्यास, अनंत काल से जितने महापुरुष हुए सबका मत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति, अनंत काल से एक भगवान के चरण कमलों में प्रीति, तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं, यही आगम निगम और पुराणों ने वर्णन किया है। प्रश्न उठता है कि सत्य ही क्या है, तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। कण कण में व्याप्त है, एक है भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। एक है बृहद है इसलिए ब्रह्म कहलाता है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, वही परम सत्य है, वही असीम आनंद की राशि है। भला रहता कहाँ है, तो अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सबके हृदय में निवास करता है। अक्षत उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, आप गर्दन कट जाएगा तब भी वो जीवित ही रहेगा। कुकुर घोड़ा गधा कुछ भी खाओ, आपके विकारों से लेना देना नहीं, दृष्टा के रूप में तटस्थ विद्यमान है। होगा हृदय में हम कैसे देखें, तो नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिमी मोहल रतन ते। पहले तो नाम निरूपण करो, नाम भी एक उलझी हुई गुत्थी है, उसको सुलझाओ निर्वारो करो कि नाम है किस प्रकार, क्यों कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, कहीं हम पत्थरी पत्थर रट के जिंदगी ने काट ले जाए। पहले नाम का निरूपण, नाम का निराकरण करो कि नाम किस प्रकार, और जब समझ काम कर जाए तो यत्न करो वो प्रकट हो जाएगा। जैसे रतन की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है, तो नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिमी मोहल रतन ते। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन है, कल्पना नहीं। प्रभु को खोज निकालने की विधि, पहले नाम फिर रूप
जब रूप पकड़ में आएगा तो लीला भगवान आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे समझाएंगे। जहां बैठ के वो रेले पर शरण देते हैं क्रमशः उन्हीं के निर्देशन में चलते हुए उस मूल का स्पर्श किया जहां से वो प्रसरण देते हैं ताधाम जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। नाम रूप लीला धाम कर्मो उन्नत चारों सोपान है भगवान एक प्रत्यक्ष दर्शन। इसलिए धर्म धर्मात्मा वो कि सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुलताता राम चरण जा कर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का विशेषज्ञ धर्म का मर्मज्ञ है वो गुणी है वो ज्ञाता है वो पंडित और दान दाता है। उसके पास देने लायक सामग्री है कौन कि राम चरण जाकर मन रहता नीति निपुण मन अनुरक्त है राम के चरणों में तो नीति निपुण सोई परम सयाना और श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना वो दक्ष सकल लक्षण युत सोई जाके पद सरोजरती हुई। वो नीति में निपुण है परम सयाना है समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है वो क्रिया में दक्ष है कौन कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है जन्म भर वेद पढ़ो निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि एक परमात्मा सत्य है पहले से ही उनके चरणों में मन अनुरक्त है तो वेद तो अपना परिणाम दे चुका तो श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना और क्रिया में दक्ष है वो दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई कौन जाके पद सरोज रति हुई। तो शोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नरे उपज विनीत। पार्वती वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो किसी भाषा में बोले हो महापुरुष किसी शैली में बोले हो पढ़े लिखे हों चाहे मूर्ख चपाट हो निर्णय एक ही रहा है सबका। कबीर जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वे दास कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला इधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता कबीर और किसी को नहीं जानता एक राम नाम की आस। वो राम नाम से आशावान है अंगूठा छाप कबीर। इसलिए ईश्वर पथ में जो सम हमारा चित्त इधर से जुटा है परमात्मा से प्रकृति से उधर से तोड़ो और परमात्मा से जोड़ो इसका नाम है वैराग्य। एक भजन है कबीर का एक भगत ने कबीर से पूछ ही लिया बोले भैया तुम्हारा तो जुलाहे की दुकान भी अच्छी चल रही थी पापा की। काशी में थे कबीर नीरू जुलाहे की दुकान अच्छी चल रही थी और सम्मान भी था ऐसी कौन सी चीज पा गयो इससे भी बड़ी जो तुम बैरागी हो गए। तो कबीरा कब से भया बैरागी कब से भया बैरागी
कबीरा कब से भया बैरागी, तो तेरी हेतु काहे संग लागी। ओ कबीरा कब से भया बैरागी। कबीर ने वो समाधान करते हुए कहा, तो मेरी हेतु धनी संग लागी। ओ कबीरा तब से भया बैरागी। सतयुग में हम पहनी पावरी, त्रेताली ने डंडा। द्वापर में मैं अड़बड़ बाचो, कलो फिरऊ में नंगा। ओ कबीरा तब से भयल बैरागी। मेरी हेतु धनी संग लागी। ओ कबीरा तब से भया बैरागी। आसमान नहीं तब टोपी दीनी, धरती नहीं तब टीका। ओ शिव शक्ति का जन्म नहीं तब जोग हम सीखा। ओ कबीरा कब से भया बैरागी। तेरी हेतु काहे संग लागी, कबीरा कब से भया बैरागी। या काल नहीं तहां धुंधाकारी, नहीं गुरु नहीं चेला। ओ जब से जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। ओ कबीरा तब से भया बैरागी। तेरी हेतु काहि सन लागी, ओ कबीरा कब से भया बैरागी। वैराग्य क्या रखा, लंगोटी लगा लो, हो गया बैरागी। गुरु महाराज कहें दो आने की गेरू ले लो, कपड़ा रंग लो सन्यासी, दोने की खड़िया ले लो बैरागी, तिलक लगा लो वैराग्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टानु सर्विक विषय वितृष्ण शिवसीकार संज्ञा वैराग्य। देखी सुनी विषय वस्तुओं में जो राग है, उस राग का त्याग ही वैराग्य है। वैराग्य एक मानसिक पकड़ का त्याग का नाम वैराग्य है। फिर वो साधना में लग जाता है और साधना की चरमोत्कृष्ट अवस्था में साक्षात्कार के साथ तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवेतृष्ण्यम, परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ प्रकृति के तीनों गुणों का अत्यंत अभाव है। गुण है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं, तो प्रकृति का अत्यंत अभाव है, इसका नाम पर वैराग्य है। वैराग्य राग का सर्वथा त्याग। महाराजा मनु, सृष्टि उनकी रची हुई थी, स्वर्ग उनका था, ये भूमंडल उनका था, कमी तो कुछ नहीं थी, लेकिन वैराग्य उनके लिए भी अनिवार्य था। हो ही न विषय विराग, भवन बस तबा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। क्या कमी थी, हृदय बहुत दुख लाग, हरि के भजन के बिना जीवन व्यर्थ व्यतीत होना चाहता है। बरबस राजपाट पुत्र को दिया, नैमिषारण्य गए,
ऋषियों से मिले, साधना की विधि समझा और शांत एकांत भजन में लग गए। एक दिन भगवान को पा भी गए वो, तो गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजन हार सुरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। सदगुरु ही धोबी है, शिष्य है कपड़ा, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। जो जो मन की दृष्टि सब ओर से समेट सिमट कर जो जो सूरत चिंतन में डूबती जाएगी, लगती जाएगी, स्थायित्व तो ले लेगी। शिला एक स्थिर पत्थर का नाम है। सूरत शिला पर धोइए, निक्षत ज्योति अपार। ज्योतिर्मय परमात्मा है, जो अपार है, असीम है, वो ज्योति निकल आएगी। तो सुमिरन सूरत संभारी के, सूरत को सुमिरन में समेट के मन को लगाओ। तो सुमिरन सूरत संभारी के, मुखते कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मन के जो पट बाहर की ओर खुले है ना, कभी इधर देखता कभी उधर ढूंढता है, ये पट बंद कर दो और भीतर में भगवान के चरणों की ओर ही दरवाजा खोल दो, तो फिर वैराग्य की राह आपको मिल जाएगा। राग से रहित होकर चिंतन में लगो। तो कबीरा कब से भया बैरागी, तेरी हेतु का ही सन लागी। तुमने कौन सा बहुत बड़ा हितेशी तुम्हें मिल गया, भरी पूरी गृहस्थी, तुम्हारे पास इज्जत प्रतिष्ठा भी थी, इससे भी बड़ा क्या मिल गया जो तुम्हें। हेतु माने तुम्हारी लगन किसके साथ लग गई, कौन बड़ा मालिक मिल गया जो तुम विरक्त हो गए। तो मेरी हेतु मेरी लगन धनी संग लागी, जो सबका मालिक है, जिनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन होता ही रहता है, जो सबका पालनहार है, उन परम प्रभु के साथ मेरी लगन लो लग गई। तो मेरी हेतु मैंने उसे हितेशी के रूप में प्राप्त कर लिया है, हितेशी मां समझ लिया है। तो मेरी हेतु लगन धनी संग लागी, ओ कबीरा तब से भया बैरागी। तब से हमें संसार फीका लगने लगा और लगन भगवान से लग गई। ये भूप राज तजी हुई वैरागी, ये एक अनिवार्य पॉइंट है। ये विरक्ति जरूरी नहीं कि भिकमंगे साधु होते हों, मनु हो गए, चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी हरि हो गए, भगवान बुद्ध का राज्य अभिषेक होने जा रहा था वो हो गए, हमारी उस धनी जो सबका मालिक है उसके साथ मेरी लगन लगी, मैंने उसे हितेशी के रूप में देखा इसलिए लग गई। युग धर्म लोगों की निगाह में कभी सतयुग था, आज कलयुग है, ऐसी बात नहीं। काल गणना लोगों की दृष्टि में ज्योतिष के अनुसार 18 लाख वर्ष का सतयुग, 12 लाख वर्ष का त्रेता युग, 9 लाख वर्ष का द्वापर, 4 लाख वर्ष का कलयुग ने ज्योतिषाचार्य वर्ष को जिंदा रहना है, ने आप ही लोगों को रहना है। अगली पीढ़ी कोई और गपोड़ा लिख लेगा और क्या, इनकी गणित से हम लोगों से कोई प्रयोजन नहीं।
लेकिन इन योगिक आध्यात्मिक महापुरुषों ने इसको मान्यता नहीं दिया, किसी महापुरुष ने नहीं दिया। तुलसीदास जी ने युग धर्मों की परिभाषा अपने ढंग से दी कि बुद्ध युग धर्म समुझी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। विवेकी प्रबुद्ध प्रत्यक्ष दर्शी महापुरुषों ने युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन के अंतराल में माना है। कैसे? तामस बहुतर जो गुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामसी गुण की बहुतायत हो, रजो गुण थोड़ा सा संपुट हो तो कलियुग का प्रभाव है। मन मस्तिष्क में चारों तरफ विरोध रहेगा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तब भजन का, मनुष्य तो हम जन्मे हैं, हमारा भजन का स्तर कैसा होगा? जब वैरी विरोध है तो मन तो लगेगा नहीं। मनुष्य हम जन्मे हैं तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, मानस तन तो मिला, भजन कैसे करें? तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता। उसमें गुणगान करो, अवश्य भव सिंधु का था पा जाओगे। और इसे गुणगान करने से ये राशि गुण तामसी गुण घट जाएगा, राशि बढ़ जाएगा। तो बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। राशि की बहुतायत आ गई, थोड़ा सात्विक गुण क्या संपूर्ण लग गया, कुछ तामसी गुण भी पीछा कर रहा है, बाकी घट गया। अब ये द्वापर युग का धर्म आ गया, मन में हर्ष है भय है, ऐसी परिस्थिति में भजन का स्तर कैसा होता है? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। पद पूजा करके, भगवान की चरण पूजा करके मनुष्य भव पार होता है, दूसरा उपाय नहीं है। अब पद पूजा के स्तर से जब साधक थोड़ा अभ्यास उन्नत हुआ तो ये भी स्तर आगे बढ़ गया। सत्व बहुत, सत्व गुण की बहुतायत आ गई, सत्व बहुत रज कछु, थोड़ा सा राशि गुण बचा है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, कर्मा ने चिंतन आराधना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। ये त्रेतायु का धर्म है, सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, और तामसिक गुण है ही नहीं, समाप्त हो गया। और कर्म में बिल्कुल प्रवृत्ति, हर तरीके से सुख है, ये त्रेता युगी युग का धर्म है। उस समय भजन का स्तर कैसा रहता है? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि ही समर्पित कर्म भव तरही। गीता में यज्ञों का विधिवत स्वरूप बताया गया है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। 13-14 यज्ञों का उल्लेख किया, सबके सब एक योग साधना की विधि का चित्रण है। न आग लगती है जलती है, न लकड़ी जलती है, योग विधि ही यज्ञ है। भगवान कृष्ण का अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ अति अल्प है, ये प्राइमरी कक्षाएं हैं। ये सारे के सारे यज्ञ योग विधि है। चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में योग विधि ही यज्ञ है। यज्ञ का परिणाम है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी, और उस जानकारी का नाम ज्ञान, और ज्ञाना अग्नि ही दग्ध कर्माणम। कर्म संस्कार सदा के लिए जल जाते हैं। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि ही समर्पित कर्म भव तरही। और जहां स्तर और उन्नत हुआ तो केवल राशि गुण भी साफ, तामसी गुण भी साफ,
केवल सात्विक गुण रह गया, तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, शुद्ध सात्विक गुण मात्र शेष रह गया। मन में समता आ गई, बुद्धि का काम समाप्त हो गया, विज्ञाना वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार, भगवान बता में तुम समझो और चलो, बुद्धि मात्र यंत्र है, भगवान चाहते क्या है, भगवान कहते क्या है, समझते जाओ उसके अनुसार ढलते चले जाओ, इसका नाम है विज्ञान। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, उस समय भजन का स्तर क्या है, कृत युग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी, उस समय शुद्ध सात्विक गुण मात्र शेष से समता है, विज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार चल रहा है, विज्ञानी है, तो सहज ध्यान लग जाता है। उस समय इस स्तर पर सब योगी सब विज्ञानी सबका सहज ध्यान लग जाता है। कृत युग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी, एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। पहले कलयुगीन होता है, वही साधक द्वापर युगीन होता है, वही त्रेता युगीन होता है, वही सतयुगीन होता है, और दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया तो श्रेणिये खत्म। तो बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही, बाहर तो कहीं युग धर्म है ही नहीं। त्रेता में जब सब योगी सब विज्ञानी, तब फिर हिरण्यकश्यप वगैरह असुर कहां से आ गए, ऐसा कुछ नहीं। बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही, कबीर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन भगवान हृदय में बराबर कार्य कर रहे थे, वही निर्णय कबीर का है। तो सतयुग में हम पहनी पावरी, सतयुग में भगवान प्रकृति के पंख में संसार रूपी समुद्र में हमारा पांव नहीं पड़ता रहा, इस माई के दलदल में हमारा पांव पड़ता ही नहीं था, भगवान की पादुका मुझे उपलब्ध हो गई। मैं ऊपर ही ऊपर था, जिन चरणन की पादुकनी भरत रहे लौलाए, सोई पदे आज बिलोकी हूं इन नयन अब जाए। भगवान की चरण पादुका वो मुझे उपलब्ध थी, और पहले तो पूजा में मिलती है, सत्युग की स्थिति आ गई तो भगवान भगत है कि दे देते हैं ले तू ही पहन ले। सत्युग में मैं पहनी पावरी, और त्रेता में अब इस संसार समुद्र में मेरा पांव, इसमें कीचड़ में इस समुद्र में मेरा पांव कहीं कंठकीर्ण पत्थों में नहीं पड़ेगा। त्रेता लीन डंडा दंड बद जतिन कर भेद सब, नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिए अब, श्री रामचंद्र के राज। त्रेता युग में भगवान राम का राज्य था, त्रेता युग में दंड कोई अपराध था ही नहीं, दंड केवल जति की पहचान थी, जति जिसको चाहे दंड दे दें, जिसको चाहे दंड निवारण कर दे। गुरु महाराज कहें संत की ये पहचान है, कोई उदंडता करे तो उसको दंड भी दे दें, कुरेक ताक दें तो सब कर्म हो जाए, जिसका चाहे दुखी है तो दंड निवारण कर दें। गुरु महाराज जंगल में विराजमान थे, और जंगल में हजारों रोगी थे मलेरिया के, वैद्य एक भी नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, 6 महीने से 3 महीने से महीनों के रोगी पड़े हुए हैं खटिया में। महाराज का सुना कोई संत अंसिया में आए,
तो खटिया में लद लद के लोग आने लगे, महाराज मर रहा हूं 3 महीने से 2 महीने से। तो महाराज कहें पापी कहीं का। उस समय महाराज को यह आदेश मिल गया था कि तुम्हारी विभूति खा लेगा वो ठीक हो जाएगा, दाहिने हाथ से मार दोगे तो बुखार उतर जाएगा, दाहिने से मार दोगे तो सब कर्म हो जाएगा। कुछ महाराज के हो, भगवान जब स्वरूप देते हैं ना तो कुछ हथियार भी दे दिया करते हैं। तो जब आवे तो महाराज बोले कि पापी कहीं का, पाप तुम लोग करो वो भोगे बाबा जी। खो विभूति पटक मुड़ी, जब मुड़ी पटके धुने पर तो छड़ी से उठा के हल्का सा छुआ दिया करें, 2-4 खरी खोटी सुना दिया करें और फिर बाद में कहें, बोल बेटा कब है बुखार का पारी? बोले महाराज कल। कोई कह परसों बुखार का नंबर है, अत्तरा माने एक दिन छोड़ के, तिजारी माने तीसरे दिन बुखार। बोले ठीक, पारी बिता के आना, देख क्या होता है। फिर बुखार न आवे तो महाराज के जो बेटा बुखार तो गया, हजारों केस सबका बुखार खत्म, न दवा न दारू। तो दंड निवारण करना अथवा दंड भी प्रदान कर देना, ये महापुरुष में क्षमता आ जाती है। ये केवल बुखार ही बनी, हर प्रकार का बड़ा दंड तो होता भव दंड, संस्कारों की रील को काटने की क्षमता आ जाती है। तो त्रेता लीन दंडा द्वापर में मैं अड़बड़ बाचे हूं। वो कहते हैं ना, तुलसी ने लिखा द्वापर के लिए कि द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, कभी इस बुरे संस्कारों की रील आ गई तो कांपने लगता है, कभी कभी भजन में मन लग जाता है, कभी उच्चाटन हो जाता है, अड़बड़ बाचे हूं, कभी तो सही मन लगेगा, कभी पुरानी संस्कारों की रील भी से पौंद जाएगी तो उच्चाटन हो जाएगा, कभी सही कभी गलत। ओ कलऊ फिर हूं मैं नंगा, कलयुग ने विवेक ने वैराग्य ने इंद्रिय संयम है ने मनोनिग्रह, बस साधक है। गुरु महाराज के दरबार में लौकी अटाल कर रहा है, कभी फरसा गोड़ रहा है, कभी इधर गाय चढ़ा रहा है, बिल्कुल कुछ है वे नहीं। पहली सीढ़ी सेवा से, दूसरे में साधना की जागृति, तीसरे में यज्ञ इत्यादि क्षमता आ गई और फिर ध्यान वगैरह की क्षमता आ गई, फिर प्रकृति के पंख में डूब नहीं सकता साधक। ओ कबीरा तब से भयल वैरागी, कर्मों उन्नत भजन की 4 अवस्थाएं हैं, उत्तम अति उत्तम मध्यम और निकृष्ट। गीता में इसी को कहते हैं, पहले मनुष्य अचेत पड़ा हुआ है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी, सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर जहां पहला संयम सदा, तो फिर जग गया, जागृति के प्रथम चरण में वो अल्पज्ञ शूद्र विधि प्राप्त वैश्य, फिर विधि के अनुसार साधना उन्नत गई तो क्षत्रिय, उस समय वो भगवान के वरद हस्त के नीचे साधना होती है। अर्जुन निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, कर्ता धर्ता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी और विकार ही खत्म हो गए, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई तो ब्राह्मण है अधूरा, कर्मो उन्नत भगवत पद के 4 सोपान है, जिसका नाम कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग, ब्राह्मण और फिर क्षत्रिय, नीचे क्या वैश्य और शूद्र, ये कर्मो उन्नत सोपान है योगिक शब्दकोश से। अगली लाइन में कहते हैं कि भजन की एक चरमोत्कृष्ट अवस्था, भजन करते करते एक तो आकाश ये है
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर चिति अति अधम शरीरा। ये पंच महाभूत है जिससे सृष्टि की संरचना है, ये अनादि है और ये रहेगा। सृष्टि अनादि है, लेकिन योग साधना में भक्ति पथ में आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। चित जब संकल्प विकल्प से रहित होकर शून्य में रिक्त स्थान में खड़ा हो जाए, न भला उद्वेग उठे न बुरा उद्वेग उठे, तो चित आकाशवत हो जाता है। आकाशवत भी एक साधना की अवस्था विशेष है, कभी वो भी चिंतन की अवस्था ही विशेष है। कबीर कहता है उस अवस्था, वो अवस्था आते ही भगवान आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे, सामने स्वयं दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिल जाएगा, तब आकाशवत अवस्था भी खत्म हो जाएगी। फिर वहां कौन झूमता रहे, कौन ध्यान लगाता रहे, इस स्थिति का इस पद में चित्रण करते हैं कि आसमान नहीं तब टोपी दीनी, धरती नहीं तब टीका। भजन करते करते सूरत एकदम शून्य में टिक गई। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहा करता है, मन की दृष्टि का नाम ही सूरत है। सूरत एकदम अधर में टिक गई, न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे। आकाश कहते हैं फूल को, शून्य को, शून्य में स्थिर हो गई। ये चित्त की निरोध अवस्था है। इस निरोध के साथ ही प्रकृति से संबंध टूट गया तो भगवान आप में दृष्टि बन के संचारित हो जाएंगे, सामने स्वयं। प्रकृति से संबंध टूटा तो परमात्मा से जुड़ गया, और नहीं समझोगे तो समझा लेंगे भगवान। उनकी जानकारी मिलते ही भगवान की भगवत्ता साधक में प्रवाहित हो जाती है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो मस्तिष्क आपका था वो आपका नहीं रह गया, भगवान का मस्तिष्क, भगवान की विभूति उसमें प्रसारित हो जाती है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। गीता में भगवान कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनु माश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके पहले अलग था, आज परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा ही हूँ, किंतु हूँ मानव तन के आधार वाला। इसलिए मानव तन के रहते हुए ही स्थिति मिली है, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, किंतु जो देवी संपद से युक्त भक्तजन है वो अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे बसते हैं। पत्र पुष्प फल जल जो भेंट करते मैं सेवन करता हूँ, उनका परम कल्याण करने वाला होता हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव की स्थिति वाला हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा ही हूँ, थे तो अलग हो गए परमात्मा। यही आशय प्रस्तुत करता है। आसमान आकाशवत स्थिति आई, तत्सन परमात्मा का दर्शन स्पर्श और स्थिति मिल गई, हमारा स्वरूप शून्य हो गया और परमात्मा उस हमारी जगह पर प्रसारित हो गए। अब हम नहीं बचे, हमारे मस्तिष्क की जगह पर परमात्मा ही मस्तिष्क हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आसमान नहीं तब टोपी, टोपी सिर में पहनी जाती है ना, अब भगवान ने उस स्वरूप को आपके मस्तिष्क को धारण कर लिया। आसमान नहीं तब टोपी दीनी, जब भगवान ने धारण कर लिया तो धरती नहीं तब टीका, जब उन्हें धारण कर लिया तो धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर से भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस शरीर को, धरती कहते हैं इस पृथ्वी को, दोनों का एक ही माप तोल है,
जो बाहर सो भीतर देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, चिद का पट पसारी जगत है, असन बसन पशु वस्तु भी विधि विधि बसमणि मेरे जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। एक असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र, विविध प्रकार की वस्तुएं, धन धाम मकान राजपाट सब बसत मध्य मन तैसे। एक वेश कीमती मणि में निवास करता है, क्यों कि उसकी कीमत ही करोड़ों में है। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक परम धाम परमात्मा भी मन के अंतराल में निवास करता है। विटप मध्य पुत्री का सूत महु कंचुक बिनई बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, चाहे दिया सलाई बनाओ, चाहे चौखट किमाड़ी, चाहे तखत, सूत में नाना प्रकार के वस्त्र, जनाना मर्दाना बच्चों के जाजम, चाहे पैरासूट, विदाता की सृष्टि के सारे तन इस मन में विद्यमान है। मन ही पूरा जगत है। ऐसे ही तो धड़ धरती का एक के लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। जहां भगवान ने इस मन पुरुष को धारण कर लिया तो पुनर्जन्म फिर कभी नहीं होगा, फिर ये शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, फिर ये शरीर के आकार धरती नहीं, शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तो धरती नहीं तब टीका, तब फिर शरीर भी पुनः धारण नहीं करना पड़ेगा, फिर ये धरती नहीं होगी और आपको अभिषिक्त हो गए परमात्मा स्वरूप में, और शिव शक्ति का जन्म नहीं तब ही योग हम सीखी रे कबीरा, तब से भयल वैरागी। शिव कब नहीं थे? शिव अनादि योगेश्वर, लेकिन ये भी एक योगिक शब्दकोश से, विष्णु विरंचि शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना, ऐसे हूं प्रभु सेवक बस ऐही, भक्त हे तु लीला तनु गहि। हनुमान जब लंका में गए तो रावण ने डांटा, बोले क्यों रे शूद्र मरकट, किसके बल से तुमने अक्ष को मार डाला, बाटिका उजाड़ी। तो सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरछति माया, जासु बल बिरंची हरि ईसा, पाले सिरजई हरे दस सीसा। जिसके बल से माया चराचर को रचती है, जिसके बल से ब्रह्मा रचना करता है, जिसके बल से विष्णु परवरिश करता है, जिसके बल से शंकर श्रृंगार करते हैं, मैं उन परम प्रभु का दूत। काकभूषण ने जब भगवान की महिमा देखी तो उदर माज सुनो अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अनंत ब्रह्मांड देखा, लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु से वो मनु दिशित्राता। प्रत्येक जिले में अलग कलेक्टर होता है ना, ऐसे ही प्रत्येक लोक में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव, भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरे हूं प्रभु रामन देखे हूं आन। क्या बवाल है, हम या तो विष्णु हैं, या शिव मत हैं, या ब्रह्म समाज बने बैठे हैं, ये एक प्रश्न है। वास्तव में ईश्वर पथ में योग साधना के ये अंग हैं। जब मनुष्य अचेत थे, मोहन निशा सब सोवन यहारा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। जब भजन जागृत होती है तो परमात्मा, वो पर ब्रह्म परमात्मा
कि वह परमात्मा की प्रथम प्रशक्ति वो सृष्टि अनादि है, विधि जागृत कर देते हैं। आपकी आत्मा से ही भगवान जागृत होकर विधि संचारित कर देते हैं। जिस विधि के द्वारा चलकर आप परमात्मा पर्यंत दूरी तय करते हैं, इसका नाम है ब्रह्मा। वो संरचनाकार विधि के अनुसार जब साधना थोड़ी और उन्नत हुई तो यो वो भगवान परवरिश करने लगते हैं, सब ओर से पालन करने वाली परिस्थिति का नाम है विष्णु। उन्हीं के संरक्षण में चलने लगे अर्जुन उसी स्तर पर था। अर्जुन, ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, कर्ता धर्ता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। और उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए अंतिम स्तर पर पहुंच गए तो संहार करने वाली परिशक्ति का नाम है शिव। वो संहार आपका नहीं करते, आपके हृदय में आपके जन्म मृत्यु का कारण है, आपके आवागमन का कारण है, उस संस्कार का संहार कर देते हैं परमात्मा की वह परिशक्ति। तो इस जीव के आवागमन का जो कारण है उसका संहार कर देते हैं। एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। अंतिम संस्कार का भी संहार कर दिया तो धरातल हो गया शमशान, तो केवल ईश्वरीय विभूति वहां शेष बसती है। वो विभूति रमी रहती है शंकर जी के तन में। विभूति माने ईश्वरीय, ईश्वरीय ईश्वरीय, यो अजर अमर है, शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, उसका नाम है शिव तत्व। तो शंकर जी के उभय प्रयोग है, एक तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है। संहार का क्षण पूरा होते ही अवशेष बचता है वो शिव तत्व है, उसी का नाम परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसी का नाम ज्योतिर्मय तत्व है। कै पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा, उसी का नाम तत्वदर्शी है, तत्वदर्शन है। तो शिव उभय प्रयोग है, एक तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है, इस क्षण संहार, संहार के साथ ही जो अवशेष बचता है वो ज्योतिर्मय परमात्म तत्व, संहार के साथ ही अवशेष और शिव तत्व जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, उसमें संपूर्ण ईश्वरीय विभूति पाई जाती है। वो ज्योतिर्मय है एक विभूति, औढ़दानी है दो विभूति, कण कण में व्याप्त है विभूति। सब कुछ दे देने के बाद भी शेष सब कुछ बचा रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। पूरे में से पूरा का पूरा दान दे देने पर भी शेष पूर्ण ही बचा रहता है, वो शिव तत्व। ये यौगिक शब्दकोश है और पूरा भारत भ्रम में चल रहा है। लेकिन महापुरुष भ्रम में कभी नहीं थे, न तुलसी भ्रम में था, न वैदिक ऋषि भ्रम में थे, न उपनिषद थे, न कबीर भ्रम में है। तो ये महापुरुष कहते हैं आसमान नहीं तब टोपी दीनी, धरती नहीं तब टीपका, तो विधि जागृति और विष्णु परवरिश, विश्व के अणु अणु में व्याप्त जिस अणु पर आप खड़े हैं वहीं से आपकी परवरिश, योगक्षेम बाम्य हम योगक्षेम, और संहार उस करने वाली परिस्थिति का नाम शिव। और जिस शक्ति से संहार करते हैं, संहार भी हो गया, एक बार हो गया तो फिर न शिव जन्मेंगे न शक्ति होगी। शिव शक्ति का जन्म नहीं, विभूति पागे तो दोबारे ये रचना कभी नहीं होगी, हमारा जन्म ही नहीं होगा न रचना होगी।
शिव शक्ति का जन्म नहीं। वो परिणाम देख के वो भी शांत हो गई प्रक्रिया, फिर शिव तत्व विभूति मात्र शेष बची। तबे योग हम सीखी, वहां हमारा योग पूर्ण है, अब न कमी है, कभी घटेगा न बढ़ेगा। तबे योग हम सीखी रे कबीरा, तब से भया वैरागी। वहां काल का काम नहीं, वहां काल है ही नहीं, या काल नहीं जहां धुंधाकारी। ये काल जो धुंध उत्पन्न करने वाला सृष्टि में, भला काल कहां नहीं है। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। असंख्य ब्रह्मांडों को उदरस्त कर लेने वाला काल, दुर्दांत काल, भला कहां नहीं है। लेकिन ये द्वंद को उत्पन्न करने वाला काल वहां है ही नहीं। शिव और शक्ति, संहार करने वाली परिशक्ति, जहां संहार कर दिया फिर वो कार्य पूरा हुआ भगवान का, फिर केवल ऐश्वर्य भर विभूति भर बची, फिर वो कभी ये प्रक्रिया फिर घटित नहीं होगी। योग पूर्ण हुआ, तबे योग हम सीखी, वहां विशेषता क्या मिली। या काल नहीं जहां धुंधाकारी, धुंध उत्पन्न करने वाला काल नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो गुरु कौन सी शिक्षा देगा। गुरु नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, वहां गुरु भी नहीं चेला भी नहीं। और ये अवस्था कब आई, जा दिन कबीरा यासन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। जिस दिन कबीरा ने आसन मारा उस दिन पुरुष अकेला। आसन क्या, तो आसन मारे क्या भया। आसन का मतलब होता है एक मुद्रा में बैठ जाना। आजकल तो आसन सिखाए जा रहे हैं, आजकल तो महापुरुष लोग बहुत किस्म के आसन सिखाते हैं, एक मुद्रा में बैठ जाओ आसन। लेकिन नहीं, कबीर कहता आसन मारने से क्या हो गया। भगवत पथ में, ईश्वर पथ में आसन का मतलब शरीर की मुद्रा से, आसन से मतलब नहीं है। स्थिर कबीर कहता है, आसन मारे क्या भया, मुई न मन की आस, जू को लू के बैल को घर ही कोस पचास। आसन मारने से क्या हुआ, दी मन की आस नहीं हुई तो कोलू का बैल घर से बाहर झांकता भी नहीं। 15 फीट की कोठड़ी में चक्कर लगाता है, बाहर झांकने को नहीं मिलता बेचारे को। शाम भर में 50 कोस की जर्नी कर लेता है, थक हार के बैठ भी जाता है। यदि मन दौड़ता रहता तो आसन कहां लगा। शरीर के बैठाने से क्या होता है, अर्थात मन का स्थिरीकरण ही आसन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। तो स्थिर सुख, स्थिर तो आप बैठ जाओगे, लेकिन सुख कहां। सुख का उतार चढ़ाव तन पर नहीं है, सुख का उतार चढ़ाव मन पर है। सुख कैसे प्राप्त हो, तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, जो यम में नियम में, सोच संतोष तप स्वाध्याय में, धारणा और ध्यान में जो हमारा प्रयत्न चल रहा है, पीछे साधना क्रम बताया है। सोच संतोष में, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह में जो प्रयत्न चल रहा है, उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, वो प्रयत्न न करना पड़े, सहज सद जाए होने लगे, और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। यदि बाहर सुडोल बैठने का नाम आसन है तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत। कायदे से बिक्री होने लगती है
तो एक एक बनिया जम के बैठ जाता है, शाम हो जाती है, हिलता तक नहीं, जानता है कि लड़का हाथ लपक के कहीं 10,000 इधर उधर न कर दे, नहीं होता है। इसलिए आसन मन का स्थिरीकरण आसन है। यम नियम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सोच संतोष, ये जो अभ्यास चल रहा था इसमें स्थिर, ये सहज होने लगे और एक परमात्मा में मन, इसमें जो प्रयत्न चल रहा था उसमें शिथिलता आ जाए, ये सहज होने लगे और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। आसन के सदते ही तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेदा प्राणायाम, इसके सदते ही श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम माने प्राणों पर विराम लग जाना। किया था यम नियम सद गया आसन, सदा था आसन और हो गया प्राणायाम। ये जो बाहर प्राणायाम सीखा जाता है ये तो प्रारंभ आरंभिक कक्षाएं हैं, ये शरीर सृष्टि के उपाय हैं, लेकिन योगिक साधना का प्राणायाम, प्राणों का व्यापार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका जो कार्यकलाप है, इसका जो उद्वेग है, इसका रुक जाना ही प्राणायाम है। ये साधन गम्य है, बाहर वाले आसनों से नहीं होगा। तो आसन के सदते ही तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेदा प्राणायाम, ने भीतर से संकल्प उठते हो, बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर टकराते हो, इनकी गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणों के व्यापार पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसकी हलन चलन पर विराम लग जाना प्राणायाम है। प्राणायाम एक अलग प्रश्न है। तो मन का स्थिरीकरण आसन, ज्या दिन कबीरा आसन मारा, जा मन में स्थिरीकरण आया ता दिन पुरुष अकेला, उस दिन केवल परम पुरुष परमात्मा, ओ मुझसे अभिन्न अकेला, कबीरा तब से भयल बैरागी, मेरी है तू धनी संग लागी, मेरी है तू, मैंने उन्हें हितेशी समझा, मेरी लगन उन प्रभु से धनी से जो सबका मालिक है, मेरी है तू हरी संग लागी, हो कबीरा तब से भया बैरागी। एक पंडित जी ने 30 साल तक काशी में विद्या अध्ययन किया, घर पहुंचे तो पंडिताइन जली भूंजी घर में बैठी थी, पढ़ाई 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 दिमाग गर्म कर दिया, पता नहीं का होते पढ़ाई। घर पहुंचे तो जाते ही पूछा, पढ़ी आए हो? बोले हाँ। एक प्रश्न हम करें बता देंगे? तो पंडित ने सोचा बड़े बड़े विद्वान हमारे सामने नहीं टिक पाए, ये गंवार औरत भला कौन सा प्रश्न करेगी। बोले हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। बोले ये बताओ पाप का बाप को है? तब सोचा वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र सब हमने उलट डाला, ये वाक्य हमारे सामने आया नहीं। बोले मैं इस घर का पानी नहीं पीऊंगा जब तक उत्तर नहीं दे लूंगा। भला एक गंवार औरत ने मुझको हरा दिया, मैं जाऊंगा काशी में स्टडी करूंगा तब लौटूंगा। तो जा रहे थे, रास्ते में एक बेसिया का घर पड़ रहा था, वो भी बड़ी नामजद थी। तो बोले अरे कल पंडित जी इस रास्ते से गए तो बड़े गुलफाम की तरह चेहरा रहा, आज चेहरे पे हवाइयां उड़ रही, हो क्या गया रात भरे में इनको? बोले पंडित जी पाला गई, क्या बात है आज कैसे चेहरे में हवाइयां उड़ रही, हो क्या गया? बोले पूछो मत, हमारी औरत ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया। तो मैं उत्तर नहीं दे सका, मैं काशी जाऊंगा फिर अध्ययन करूंगा, गुरुजनों की मीटिंग बुलाऊंगा। तो बोले क्या प्रश्न है? बोले उसने पूछा बाप पाप का बाप के है। तो बोले मैं बता दूं तो? तब पंडित जी ने सोचा
बड़े बड़े आचार्यों के मुंह से ये शब्द कभी नहीं निकला। हो सकता है औरत की बात औरत ही जानती हो, यही पूछ लेने बैठ गए। वो इधर उधर की बातों में फंसाए रही, बोले हमें लगी है प्यास, एक घंटा हो गया, जल्दी बताओ तुम आगे बढ़े, हम कहीं जाके पानी पियेंगे। बोले महाराज ये कुएं का पानी है। बोले तुम अशुद्ध धन से कुआं खुदवाया, मैं कैसे पी सकता हूं। बोले अरे महाराज धन पैसा टकसाल में छपता है, पैसा पैसा है, आदमियों ने खोदा है, हमारा इसमें क्या है। यदि आप पानी पी लो तो 51 रुपया भेंट करूंगी। तब सोचा यार पानी में क्या रखा है, पानी तो नीचे नीचे आता है, पंडिताइन तो 2 रुपया दिया नहीं, खर्चा हो जाएगा। पी लिया पानी और फिर मंत्र पढ़ के पी लिया। जब कोई एक मंत्र ऐसा ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पीवा जो पढ़ा वो हमें नहीं मालूम, पी लिया खैर। और फिर वो बातों में इधर उधर फंसाई थी काफी देर। बोले अब जल्दी बताना तो बता, नहीं तो हम जाए, हमें देर हो रही, हम भूख लगी, कहीं भोजन बनाएंगे खाएंगे। बोले हमारी सखी ने बहुत पवित्रता से भोजन बनाया, नहा धो के महाराज थाल आ गया, थाल भी बहुत विधिवत बनाया था। तो बोले तुमने हद कर डाला, तुम एक पत्रिया हो, तुम्हारा अशुद्ध कमाई का पैसा हम कैसे खा सकते हैं। बोले क्षमा करें महाराज, अन्न बनिया के यहाँ से आता है, बनिया के यहाँ किसानों के यहाँ से आता है, आपो खरीदत हुई हो, खेती तो करत नहीं हो, अब उसमें हमारा क्या है, शुद्ध है। यदि आप खा लो तो 501 रुपया भेंट करूंगी। पंडित ने खड़े होके रोड पे देखा, उस समय आबादी कम थी, भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई आ तो नहीं रहा। बोले कोई नहीं, रोड इधर भी साफ इधर भी साफ, भोजन तो कहीं करना ही पड़ेगा, शुद्ध है, भूख भी लगी है, कल भी नहीं खाए थे, शाम को सुबह पंडिताइन लतिया के भेज दिया प्रश्न पूछ के। जहां ग्रास उठा के मुंह में की ओर ले चले तो उसने एक चप्पल उठा के सिर पे छुआया। ये क्या बदतमीजी, बोले आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज। बोले ये क्या उत्तर है, अबे नहीं समझ पायो, पाप का बाप है लोभ लालच, और का जन्म भर पढ़े हो धर्म है धर्म पढ़त रहेगी हो, इनका छुआ मत खाओ इनका छुआ मत खाओ, 500 रुपए के लालच में देखो ना पतरिया का दाना खात हो। तो जोगी तापस सूर कभी को विद गुण आगार, कई के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। जोगी तापस सूर कभी कोविद माने पंडित होते ही हैं, गुण आगार गुणों के खान कोविद भी, लोभ ने किसकी दुर्दशा नहीं कर डाली इस संसार में, पाप का बाप है लोभ लालच। लोभ पास जय गर्न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, का करे धक्का खाए काशी जात हो लौट जाते हो तो बड़ा बढ़िया रहा। बोले यार तू ही गुरु हो गई अब, ठीक है कहते ओ।